नमस्कार, स्वागत है आपका एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज में। डालिए नजर एब्सोल्यूट रील ऑफ द वीक पर, जानने के लिए क्या कुछ खास हुआ इस हफ्ते बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में। इस हफ्ते की शुरुआत हुई कार्तिक आर्यन के नए प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के साथ। कार्तिक आर्यन अनुराग बासु डायरेक्टोरियल आशिकी 3 में लीड हैं। इस बात की अनाउंसमेंट मेकर्स ने एक पोस्ट शेयर कर दी है। वेल, इस फिल्म की फीमेल लीड के लिए जेनिफर विंगेट का नाम सामने आ रहा था, लेकिन इस बात पर रिएक्ट कर मेकर्स ने कहा कि फीमेल लीड की खोज अभी भी चालू है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ उज्जैन महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन खबरों के मुताबिक रणबीर के बीफ ईटिंग वीडियो वायरल होने के कारण इन्हें जाने से रोक दिया गया। कुछ महीनों पहले ललित मोदी और सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर अपने रिलेशनशिप का ऐलान किया था, और अब 2 महीने बाद दावा किया जा रहा है कि यह दोनों अब अलग हो गए हैं। ललित मोदी ने सुष्मिता के साथ लगाई अपनी डीपी और बायो चेंज कर दी है, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब यह दोनों साथ हैं। ऋचा चड्ढा और अली फैजल की शादी अब तक कई कारणों से टलती जा रही है, बट अब फाइनली यह शादी होने वाली है। इसको लेकर कई जानकारियां सामने आई हैं। खबरें आ रही हैं कि दोनों इस महीने के अंत तक शादी करने वाले हैं। दोनों इंटीमेट शादी करेंगे और 5 दिनों तक शादी का सेलिब्रेशन चलता रहेगा। इसके अलावा दोनों दिल्ली और मुंबई में रिसेप्शन भी देंगे। आत्या शेट्टी और केएल राहुल की शादी को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। खबर है कि दोनों सुनील शेट्टी के खंडाला वाले बंगले में शादी करेंगे। शादी की डेट केएल राहुल के वर्क शेड्यूल के हिसाब से तय होगी। डेरोगेटरी ट्वीट केस के अलावा कमल आर खान को इस हफ्ते मॉलेस्टेशन के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों में दोनों केस से उन्हें राहत मिल गई। इसके बाद उनके बेटे का एक पोस्ट वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि केआरके को टॉर्चर किया जा रहा है और उनकी जान खतरे में है। मशहूर रैपर योयो हनी सिंह और उनकी पत्नी शालिनी तलवार का तलाक हो चुका है। दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे। दोनों के बीच हुए तलाक के बाद 1 करोड़ रुपए पर समझौता हुआ है। इस हफ्ते करण जौहर के टॉक शो में कॉफी विद करण में नजर आए कैटरीना कैफ, ईशान खत्तर और सिद्धांत चतुर्वेदी, जहां ईशान खत्तर ने अनन्या पांडे के साथ अपना रिलेशनशिप कबूल किया और ब्रेकअप के ऊपर कहा कि वह हमेशा दोस्त रहेंगे। वहीं कैटरीना ने विकी के साथ अपने रिलेशनशिप पर कहा कि विकी कभी उनके रडार पर नहीं थे। एक्ट्रेस काजोल बहुत ही जल्द अपना वेब सीरीज डेब्यू करने जा रही हैं। इस सीरीज से उन्होंने हाल ही में अपना फर्स्ट लुक शेयर किया। इस सीरीज में वह लॉयर की भूमिका निभाती नजर आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो अवर चैनल एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड वेबसाइट।